नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये जो वीडियो है ये लोन से संबंधित है कि अगर कोई सैलरी पाने वाला व्यक्ति है जो बंधी हुई सैलरी पाता है तो उस सैलरी पर जो है उसको लोन कितना मिल सकता है, यानी कि उसको होम लोन कितना मिल सकता है अगर होम लोन लेना चाहता है तो ये गाइडलाइन के अनुसार, एक नियम के अनुसार जो है के रूप में वेतन पाने वाले को, यानी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी अपने जो है एनुअल मासिक वेतन के लगभग 60 गुना तक होम लोन पाने के लिए जो है वो अपने जो है एनुअल या मासिक वेतन के लगभग जो है 60 गुना तक होम लोन पाने के लिए पात्र होते हैं। यानी वे अपने मासिक वेतन के जो है 60 गुना तक होम लोन पा सकते हैं। अगर आपका मासिक वेतन मान लीजिए 40,000 है, अगर मान लीजिए आपका मासिक वेतन कितना है 40,000 है, तो आप मोटे तौर पर 24 लाख रुपए तक का लोन जो है आप पा सकते हैं। आप जो है 24 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं, यानी अगर आपका मासिक वेतन जो है 40,000 प्रति माह है तो आप 40 लाख रुपए तक का होम लोन जो है पा सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आपको हर महीने 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, अगर 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलते हैं तो आप लगभग जो है 12 लाख रुपए तक लोन पा सकते हैं। तो जो है इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि आप जो है लोन 60 गुना पा सकते हैं, 60 गुणे आप गुना पा जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हमने लोन के बारे में बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।